दोस्तों आज मंडे नाइट रो की शुरुआत होती है द आरके ब्रो के सेगमेंट से, जहां पर सबसे पहले रैंडी ओर्टन ऑडियंस को वेलकम करते हैं मंडे नाइट रो में और फिर कहते हैं कि रसलमेनिया बैकलैश में सिक्स मैन टेक टीम मैच में द ब्लड लाइन के साथ उनकी हार हुई है और फिर वो कहते हैं कि उस मैच से पहले द उसोस के साथ उनका टाइटल यूनिफिकेशन का मैच होना था जिसे रोमन रेंग्स ने कैंसिल कर दिया क्योंकि रोमन रेंग्स को पता था कि द उसोस आरके ब्रो के साथ अपनी टेक टीम चैंपियनशिप्स को हार जाएंगे। और उसके बाद रैंडी ओर्टन कहते हैं कि वो नेक्स्ट वीक यानी आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जाकर रोमन रेंग्स से डिमांड करेंगे टाइटल यूनिफिकेशन मैच की। और फिर वहां पर द स्ट्रीट प्रॉफिट रैंडी ओर्टन एंड रिडल को इंटरप्ट करती है और कहती है कि तुम्हें ब्लड लाइन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी द स्ट्रीट प्रॉफिट की चिंता करने की जरूरत है क्योंकि हम नेक्स्ट ऑन द लाइन है फॉर द रॉ टेक टीम चैंपियनशिप और ये तो मैच होने के बाद पता चलेगा कि कौन स्मैकडाउन में जाकर टाइटल यूनिफिकेशन की डिमांड करेगा। और फिर मंडे नाइट रो में आरके ब्रो वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच रो टेक टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच शुरू होता है। मैच काफी अच्छा था, द स्ट्रीट प्रॉफिट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी लेकिन मैच के एंड में जो रिडल है वो अपना आरकेओ लगाते हैं मोंटेज फोर्ड को और उन्हें पिन कर लेते हैं इस मैच में और यहां पर आरके ब्रो ने अपनी रो टेक टीम चैंपियनशिप्स को रिटेन कर लिया है। तो दोस्तों यहां पर रैंडी ओर्टन ने चैलेंज करा है रोमन रेंग्स यानी द ब्लड लाइन को कि वो यूनिफिकेशन मैच चाहते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आरके ब्रो जाएंगे तो क्या रोमन रेंग्स आरके ब्रो के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि रोमन रेंग्स यूनिफिकेशन मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फॉर फास्टेस्ट मंडे नाइट रो रिव्यू इन हिंदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।